बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लख फजल करम और शुक्र के साथ मैं ठीक हूँ। तो आपको था भाई भी सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज हम आए हैं अपने जो हमारा दिफा है ना गांव दरवाल का, तो उसके पार आए हैं हम चावल की फसल लगाने के लिए। तो ये वो नाला है जहाँ से पानी गुजरता है। तो ये सारा जो है ना ये दिफा हमारा, जिसे हम पंजाबी में बन कहते हैं, ये बन है हमारा। तो इस साइड पर रोई में आए हम मुंजी लगाने के लिए। तो यहाँ पर सुबह से बारिश हो रही थी, तो अब मौसम थोड़ा ठीक है। आज हम आए हैं यहाँ पर रोई में। इधर आप देख सकते हैं काफ़ी, ये तकरीबन यहाँ पर जो खेत है ना कई सौ मरबे, तो वो सारी सारी चावल की फसल इधर लगाते हैं। चावल की फसल के बगैर कुछ भी नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पर जब भी बारिश होती है तो पानी बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चावल की फसल लगती है और कुछ भी नहीं। ये हमारा दिखा है सारा, का एरिया शुरू हो जाता है। इससे आगे वो एक गांव है, उसके जो पार एक दिफा है ना, उसके बिल्कुल पास जो है ना वो इंडिया का इलाका है। हमारे गांव से तकरीबन 4 किलोमीटर है, हमारे गांव से तकरीबन 4 किलोमीटर वो दिफा है। तो हम खैर इतना ज़्यादा उधर तो नहीं जाते, कभी चारवा सेक्टर जो है वहाँ पर अक्सर बम वगैरह फायरिंग स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर अक्सर सभी वाक़ियात होते हैं। तो हमारे यहाँ तो अल्लाह की मेहरबानी से करम है, कुछ भी नहीं होता। हमारा थोड़ा सा गांव दूर है, तो जो एरिया है ना वहाँ पर फायरिंग का, वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के इर्द गिर्द रहता है, 2 से 3 किलोमीटर के आगे नहीं आता। तो ये हम रोई में आए आज, तो ये तकरीबन कई सौ मरबे पैली जो है ना वो तकरीबन सभी मौजूद रहते हैं। मैं बैक कैमरा करता हूँ तो बताता हूँ आप लोगों को ये कितना एरिया है तकरीबन, जहाँ तक नज़र जाती है वो भी, और कितने लोग लगा रहे हैं यहाँ पर वो भी बताता हूँ आप लोगों को। ये आप देख सकते हैं सभी जो एरिया है ना, सभी ये सभी जो लोग जा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, कुछ इधर भी हैं, इधर भी सभी उधर भी लगा रहे हैं। तकरीबन अभी तो टाइम सुबह का है, तो अभी कुछ कम लोग आए हैं, चावल की फसल लगाई थी। और ये भी ये पानी जो है ना ये तैयारी हो रही है फसल लगाने के लिए, मुंजी की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर आना मुश्किल ही नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है और फिसलन वगैरह होती है। इस मिट्टी में तकरीबन फिसलन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये बाइक, एक बाइक आई है मेरे हिसाब से तकरीबन, हमारा दिफा यहाँ से काफ़ी वो हमारे गांव दरवाल का नज़र आ रहा है। तो यहाँ से तकरीबन यहाँ पर बाइक लाना नामुमकिन है, वो भी बारिश में। तो अब मैं नज़दीक आ गया हूँ अपने खेत के, तो यहाँ पर हम मुंजी लगाएंगे और साथ में पीछे भी कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ इधर भी लगा रहे हैं, काफ़ी सारे लगा रहे हैं। और ये 3 कनाल प्याली हमारी जनाब, 6 लोग हम लगाने वाले हैं, तो देखते हैं कितनी देर में ख़त्म होती है, तो आगे देखेंगे फिर क्या करना है। जल्दी जल्दी लगाओ आर्यन, जल्दी जल्दी और जल्दी और स्पीड से, इधर भी इधर भी, ये जो सारी जगह ना इधर भी लगा, ठीक है। ये साइड हमारी क्लियर हो चुकी है और वो साइड रह गई है वो भी थोड़ी सी, तो हम इधर से क्लियर होकर जाएंगे उधर। तो तकरीबन आधे घंटे का काम है हमारा, तो फिर घर जाएंगे। ये सभी लगा रहे हैं जी मंजी, और ये लोग लगा रहे हैं पैसे के ऊपर 8 कनाल के 8,000, और ये तकरीबन 4,000 होगा, तकरीबन 9-10 हैं, तो ये उस हिसाब से पैसे लेंगे। और हम
घर को जा रहे हैं। तो ये दिफा हमारा सारा जितना भी है ना, ये कितने सारे लोग जो है लगा रहे हैं मुंजी को। तो पहले तो सुबह जो मैंने आते हुए वीडियो बनाई थी तब तो थोड़े लोग थे, मगर अब काफ़ी ज़्यादा सारी जगह के ऊपर जो है ना हमारे रोइया ने इधर तो सभी लगा रहे हैं। ये कुछ पनीर लेकर जा रहे हैं। यानी कि 16 कनाल, 2 किले जो हम कहते हैं, 8 कनाल का 1 किला होता है, तो 2 किले जो वो मुंजी है ना वो लगा लेते हैं। यानी कि 10 बंदे हैं तो 10 बंदों में इनवाइट करें कितने बंदे, 16,000 रुपये बनते हैं। 16,000 रुपया ये देते हैं तो उस हिसाब से इनकी आमदन कितनी होगी। ये डेली लगाते हैं, एक दिन नहीं लगाते, डेली लगाते हैं, तो ये डेली का काम है इनका। तो हमारी खैर ख़त्म हो चुकी है मुंजी, तो हम जा रहे हैं घर। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। इजाज़त दी आज के लिए बाबर सैन को विलेज पंजाब टीवी के साथ।